व्हाट इज जीआईएस प्रिमिटिव्स? प्रिमिटिव्स का मतलब क्या होता है? बिल्कुल बेसिक। प्रिमिटिव का मतलब ये होता है कि एकदम धरातल पे जो चीज होती है, जहां से शुरुआत होती है। तो जीआईएस की जब हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम बात करेंगे ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की। ज्योग्राफिक का मतलब क्या होता है? ज्योग्राफी मतलब होता है कि जो अर्थ है उसमें क्या क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसकी लोकेशन क्या है, उसका नाम क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। जीआईएस में ये सब दिखाया जाता है। जीआईएस जो है वो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ह्यूमन वेयर, डेटा वेयर, इन सबको मिला के आपका एक कंप्लीट सिस्टम है जो आपको इंफॉर्मेशन या मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर का एक कॉम्बिनेशन है, लोग भी उसमें। तो जियो मतलब पूरे पृथ्वी का दिखा सके। अब पृथ्वी में अगर आप इसको, ये जैसे ये पेड़ है, इनको कैसे दिखाएंगे आप? इसको पॉइंट के थ्रू दिखाएंगे। तो ये आपका पॉइंट हो गया, ये आपका प्रिमिटिव टाइप हो गया जीआईएस में। तो ये आपका एक लेयर होगी जिसको वेक्टर लेयर कहते हैं। उसकी इंफॉर्मेशन भी होगी कि इसकी हाइट क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, इसका डायमीटर क्या है, ये भी आप ये एट्रीब्यूट हो गए, ये डीबीएफआई या डेटा फाइल में होता है। लाइंस देखिएगा, अगर आप रोड दिखाएंगे तो रोड कैसे दिखा पाएंगे? लाइन से दिखा पाएंगे। तो उसके लिए ये आपका जो फीचर हो, इसका हम फीचर कहते हैं, ये रोड फीचर है, लाइन फीचर है। इसकी भी अलग अलग इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि इसकी भाई मोटाई क्या है, इसकी गहराई क्या है, लेंथ क्या है, इसकी यहाँ से यहाँ तक इतनी लेंथ कितनी है, इतनी यहाँ से यहाँ तक इतनी लेंथ कितनी है। ऐसी पॉलीगन, अब आपका घर दिखाना है तो घर अगर बड़ा है या कोई स्टेडियम दिखाना है तो आपको पॉलीगन से दिखाना पड़ेगा ना। तो वो पॉलीगन, जैसे आपने पूरा ये इलाका पॉलीगन में ले लिया, अगर आपका एक मैप है जिसमें आप बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं तो इसको आपको मैप की तरह दिखा देंगे, मैप में पॉलीगन की तरह दिखा देंगे। पॉलीगन का एरिया हो सकता है, डेप्थ हो सकता है, और भी मल्टीपल इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो इसे हम जीआईएस प्रिमिटिव्स कहते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से जीआईएस में काम होता है। हम पॉइंट लाइन पॉलीगन में इस तरीके से एक्ट करते हैं, हमारे पास पूरे ऑप्शंस होते हैं और बहुत अच्छी तरीके से आप किसी एक मैप को बना सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ कार्टोग्राफर या एज अ जियोलॉजिस्ट या हाइड्रोलॉजिस्ट या फिर आप जिस भी साइंस में बिलोंग करते हैं।